हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मजे कर रहे होंगे, पूरी सर्दियों में एंजॉय किया होगा, मुझे पक्का पता है। देखो, सीधे काम की बात करता हूँ। अब देखो, सीजन खुलने लग गया है, अब केदारनाथ की भी यात्रा शुरू होने वाली है। मतलब होगी तो मई में, बट अब धीरे धीरे माहौल बनेगा, लोगों का भी मन होता है जाने का। देखो, मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ, बाकी ना किसी का सुन के ना देख के, जो मैंने किया है वही शेयर करना सबसे अच्छा लगता है मुझे तो। देखो, मैं बाइक से ट्रैवल कर चुका हूँ केदारनाथ, और बहुत ही लंबा सफ़र था। सच बताऊँ तो कई लोगों के हिसाब से तो ये मूर्खता भरा काम था, यानी कि बेवकूफ़ी की, इतनी दूर बाइक से जाना। मगर शौक है तो क्यों सुने हम किसी की, हम तो वही करेंगे जो मन करेगा। और भाई, मन करता है ना तो वही करना चाहिए, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ही सारी होती है। खैर, ये सब बातें छोड़ो। अब देखो, आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ केदारनाथ यात्रा अगर आप करना चाह रहे हो तो। दो तरीके हैं, एक तो मेरी तरह जैसे आप बाइक से या गाड़ी से जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और दूसरा ये कि आप कोई कन्विंस करके जा रहे हो तो कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। देखो, सबसे पहली बात कि आप अलग अलग पार्ट्स में रहते होंगे इंडिया के, वहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी है वो आपको ही पता होगा, आप गूगल मैप्स में भी चेक कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये कि सबसे पहले अपना मेडिपैक एक बना के रख लो, जो दवाइयाँ इम्पोर्टेंट हैं लिस्ट बना लो कि आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखो वहाँ ट्रैकिंग होती है, तो ट्रैकिंग जब करोगे तो आपके पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ही हार्ड लाइफ है वहाँ पे, इसलिए कुछ इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। बीच में रहोगे तो कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपके पास पहले से होगा सामान तो अच्छा है। तो जैसे वॉमिटिंग की, पेट दर्द की, चक्कर की, कई चीज़ें हैं उसकी दवाइयाँ आपको रखनी चाहिए, बुखार की, खांसी की, एक पैक बना लो। और दूसरा, जो तबीयत जिनकी ख़राब है, या जैसे कोई चलता है, जैसे किसी का डिजीज़ होता है या बीपी या कोई भी ऐसी बात हो, वो तो मेडिसिन आपके पास रहेगी, वो तो अंडरस्टूड है। दूसरा ये कि ऑक्सीजन वहाँ कम होता है, तो ऑक्सीजन कम है उसके लिए क्या करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई अवॉइड करो, मत जाओ। मतलब बहुत ही मन है, अगर आप कर सकते हो, देख सकते हो, तो फिर एक ऑक्सीजन का कंप्रेसर भी आता है, वो अपने साथ ले लो, उसको आप इनहेल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन काफ़ी कम है, लेस देन 40% कहते हैं। अब मैंने एग्जैक्टली नापी तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी कम है, तो इसलिए वो रख लो। और आप अपने साथ एक कपूर भी रख सकते हो, उसको आप उंगलियों पे बांध के उसको सूंघ भी सकते हो, तो वो मिलता भी है वहाँ पे, तो चाहो तो यहाँ से ले लो, चाहे वहाँ भी खरीद सकते हो। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको चीज़ें कॉस्टली मिलेंगी जितना आप ऊपर जाओगे, क्योंकि देखो कंडीशंस बहुत हार्ड हैं, बहुत टफ लाइफ है, तो सामान का जो, मतलब वहाँ पे जो सामान पहुँचता है होटल्स में, दुकानों में, वो बहुत कॉस्टली पहुँचता है। पानी की बोतल 20 रुपये की 80 में मिलेगी, कई लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है यार, कभी आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि कितना हार्ड है सामान पहुँचाना। तो इसलिए पानी वगैरह नीचे से ही ले लो, कोशिश करो कि कम से कम सामान लेके जाओ, बहुत ही मिनिमम जो आप कैरी कर सको, क्योंकि आपको अगर एक बैग है आपके पास तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लग ही जाएंगे वहाँ पे जाने के लिए, तो इसलिए सोच समझ के सामान रखना हल्का फुल्का। अगर आप चल सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चलने में नहीं, आपको लगता है कि चल नहीं पाऊँगा मैं इतना, तो आपके पास हेलीकॉप्टर सर्विस भी है, जो खच्चर चलते हैं, जो म्यूल जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी ऑप्शन है। पिट्ठू का भी ऑप्शन है, जिसमें जो लोग आपको वहाँ पे सर्विस देंगे वो आपको पिट्ठू में कैरी करके, जैसे हम बैग लेते हैं ना पिट्ठू वाला, उसी तरह उनकी एक बास्केट लगी होती है चेयर टाइप की, उसमें वो लोगों को बिठा के पूरा ऊपर तक लेके जाते हैं, तो एक पॉइंट तक वो आपको छोड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, उतना नहीं लेकिन कम। तो आपके पास ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग वगैरह ये सब ऑनलाइन हो जाती है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। वेबसाइट का नाम किसी को याद नहीं होता है, सीधे गूगल पे डालना केदारनाथ यात्रा ऑफिशियल वेबसाइट, और या इस तरीका उत्तराखंड जो भी है, तो ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जरूर लिखना है, सबसे बढ़िया स्टाइल है, तो जो भी लिंक मिले तो पता चल जाएगा आपको, गवर्नमेंट की साइट होगी तो उस पर सब पता चल जाएगा कैसे क्या होना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर करा लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन ही ना हो और फिर आप जाओ और कुछ पंगा खड़ा हो, तो इसलिए रिस्क क्यों लो, सबसे पहले वही काम करो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी पहाड़ों पे जब जाते हो, जब केदारनाथ खासकर, वहाँ देखो टेम्परेचर कभी भी चेंज हो जाता है, तो आपको अपने साथ रेनकोट हमेशा रखना है। एक पॉन्चो वाला रेनकोट आता है जो ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं महंगा आता है, 100 रुपये का मिलता है, वहीं पे मिल जाता है, तो वो रख लेना। छोटी छोटी पन्नियाँ वगैरह, देखो पन्नी बाहर फेंकना नहीं, क्योंकि देखो पहाड़ों पर ये सब नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक वैसे भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए,
तो थोड़ी बहुत पन्नियाँ जैसे जो होती हैं तो उसमें मोबाइल का मतलब मोबाइल आप डाल सकते हो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखो केदारनाथ खतरनाक घाटी है, मतलब इतना इजी नहीं है वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे बर्फ़ की ऐसे ढलान जैसी है, तो वो सबसे ऊपर पहुँच के है, तो कभी भी बर्फ़ में लैंडस्लाइड हो जाती है। तो गढ़वाल रीजन में वैसे भी लैंडस्लाइड बहुत होती है बारिशों के टाइम पे, तो जब बर्फ़ होती है तो बर्फ़ जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो बहुत आराम से लैंडस्लाइड कर देगी, तो इसलिए ज़रा सोच समझ के उस पॉइंट पे आपको ज़्यादा खड़ा नहीं रहना है फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी बात हो सकती है, तो इसलिए सेफ रहो। दूसरा, जब भी आप वहाँ पे ट्रैक कर रहे होगे, अब ट्रैक जो है थोड़ा लंबा हो गया, पहले तो 14-15 किलोमीटर का था, जब से आपदा आई उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गई है, तो 20-22 किलोमीटर, मैंने वैसे 23 सुना है लेकिन 22-23 ऐसे है, तो उतना लंबा हो गया, सोच समझ के जाना। बच्चों को कोशिश करो ना ही ले जाओ तो अच्छा है, क्योंकि बीच रास्ते में, और देखो उनकी गाइडलाइंस में भी लिखा रहता है कि बच्चों को अपने साथ मत लाओ, लेकिन कई लोग फिर भी ले आते हैं, क्योंकि कंडीशन टफ है बड़ों के लिए, तो बच्चों का क्या हाल होगा, वो तो बोर हो जाएंगे, फिर रास्ते में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो वे बैक, तो इसलिए सोच समझ के, बाकी आपके ऊपर है, अगर वो बाहुबली हैं तो लेके जाओ। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद जब आप ऊपर पहुँचोगे, ऊपर मतलब घाटी पर, तो उसके बाद आप कैंप ले सकते हो, और छोटे वगैरह होटल वगैरह रूम भी होंगे, मैंने तो कैंप लिया था, तो कैंप भी अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं, थोड़ा बार्गेन कर लेना, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। भैरव मंदिर भी आप देख सकते हो ऊपर जाके, थोड़ी दूर है केदार मंदिर जहाँ पे, उससे लगभग 900 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर या इतना ही होगा, नापा तो नहीं है लेकिन उतना होगा, 800-900 मीटर या 1 किलोमीटर। तो भैरव मंदिर भी देखो, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ। आप केदारनाथ का जो एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा रुकना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डेंजरस जगह है वैसे, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो चारों तरफ से बर्फ़ से ढका, मतलब जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ होती है चारों तरफ, पूरे पहाड़ है, वो वैली है, घाटी है, तो इसलिए जितनी जल्दी दर्शन हो सकें और आप वापस जाओ, सबसे बढ़िया बात है। चाहे बारिश भी आ रही हो, हल्की फुल्की बारिश में मैं तो पूरा उतरा था, पोंचो वाला रेनकोट ले लो, जूते हमेशा ऐसे पहन के जाना जो आपको चलने में बड़े कंफर्टेबल हो, चप्पल पहन के तो बिल्कुल भी मत चलना, हमेशा बांधने वाले जूते सबसे बेस्ट होते हैं, और पूरे फ्लेक्सिबल हो तो और अच्छा है, जिसको आपको चलने में दर्द ना हो, पैर में हार्ड जूते ना हो, तो इसलिए ऐसा ही लेके चलना, और हीरो मत बनना कि मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊँगा ना। देखो जो लोग प्लेन्स के होते हैं, देखो मैं तो उत्तराखंड गढ़वाल को ही बिलोंग करता हूँ, हालांकि रहता तो शहर में हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी जीन्स सपोर्ट करते हैं, तो मैं तो चला गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो धीरे धीरे स्लो पेस पे चलते रहो, बहुत ज़्यादा देर तक रुको भी मत, बहुत ज़्यादा देर तक चलते भी मत रहो, बैलेंस करके चलो, जब थक जाओ तो थोड़ा रुक भी जाओ, पानी पियो आराम से 5-6 मिनट 10 मिनट, फिर चलो फिर रुको, ऐसा नहीं कि बस चलते जा रहे। बहुत लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा है वहाँ पे, थक जाते हैं वो। देखो मेरा मेन एम ये नहीं है कि आपको मैं डराऊं, लेकिन मेन एम ये है कि जो रियलिटी है उसको भी जान लो, क्योंकि जो वहाँ गया है वही बता सकता है, तो इसलिए जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो थोड़ी बहुत, तो वो सोच समझ के ही जाए। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। मेडिकल जो आपके पास एक्सेस, मतलब जो आपके पास मेडिपैक होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम से कम सामान लेके जाओ, रजिस्ट्रेशन ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम सामान सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना भारी सामान कर लोगे उतना आपको कैरी करने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ मत करो। और कोशिश करो जब आप नीचे से ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करोगे अपनी यात्रा, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स पहले ही रख लो, अगर आपको कॉस्ट की बहुत चिंता है कि ऊपर बहुत महंगा मिलेगा, तो बिस्किट नमकीन वगैरह वो आप 2-2, 4-4 के पैकेट में रख सकते हो, अगर कैरी कर सकते हो तो। सामान कम रख लेना भाई, 2 जीन्स कम रख लेना, तो उतना एडजस्ट हो ही जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और सामान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के लिस्ट बना लेना कि मुझे इतने दिन रुकना है, मतलब 1 दिन या 1.5 दिन, तो क्या चाहिए होगा, गीले हो गए कपड़े तो एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ऐसे करके। टॉयलेट्स वगैरह की वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, तो वहाँ पे वो वैक्यूम वैसे वाले टॉयलेट्स बने हुए हैं जो मतलब बाहर बनते हैं अक्सर, जो कैंपिंग वैम्पिंग के लिए होते हैं, तो बहुत बढ़िया। इसमें चेन सिस्टम है, अंदर जाओगे पॉकेट्स बनी है, अपना सामान वामान उसमें रख के आराम से फ्रेश हो जाओ। पानी बहुत अच्छा होता है, लेकिन पानी क्योंकि इतना प्योर है सारा, तो पानी नीचे यहीं से सप्लाई हो रहा है पूरा, तो पानी बहुत प्योर है वहाँ का, पियोगे तो। अब इतनी शहरों में लोगों को आदत नहीं होती प्योर पानी पीने की, तो पेट भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए बोतल वाला पानी पी लेना, कॉस्टली तो मिलेगी यार, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें भाई ध्यान रखना, सेफली जाना। अब जो लोग कार से जा रहे हैं
वो सोच समझ के जाना, क्योंकि बहुत जाम लगता है, बहुत ही भयंकर, मैं तो देख चुका हूँ। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, आपको 5-5 घंटे भी खड़े रहना पड़ सकता है, रास्ते भी खतरनाक होते हैं, तो सोच समझ के। और दूसरा, आपको जैसे ऋषिकेश है, ऋषिकेश से आपको ट्रैवल वाली जो एजेंसीज होती हैं उनके पैकेज मिल जाएंगे, वहाँ से आप आराम से पूरा पैकेज देख लेना, 2-3-4 जितने लोगों से पूछना है, जो आपको सबसे कम बजट लगे कि हाँ यार ये ठीक है, तो उसी से जाना। अगर आप बाइक से जा रहे हो वैसे तो मेरी तरह मूर्खता मत करना, क्योंकि ये सब बहुत कम लोग ही करते हैं जो बहुत शौकीन, या मुझे तो बड़ा शौक है जाने का, मैं वैसे जा भी कई बार चुका हूँ अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल अपने होम टाउन और कई जगह पहाड़ों, तो मैं तो बद्रीनाथ भी गया था, इसलिए 1800 किलोमीटर प्लस हो गया था मेरा जो ड्राइव था टोटल। तो अगर आप बाइक से जा रहे हो तो भी ज़रा सोच समझ के जाना, रास्ते मतलब ठीक ठाक तो हैं मगर जो है थोड़ा, क्योंकि अनकंफर्टेबल हो जाता है इतना पहाड़ों पे जो इतना रेगुलर नहीं चलता, तो गोल 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 चक्कर थोड़ा बहुत होता है, और सनबर्न भी होता है वहाँ पे, क्योंकि इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ दर्शन करो, बहुत अच्छी जगह है, थोड़ा वहाँ बैठो, ध्यान वगैरह लगाओ और बहुत अच्छा लगेगा आपको यार, इससे अच्छी आपको जगह मिलेगी नहीं। और लोग कंपेयर करते हैं वैष्णो देवी में तो बड़ा अच्छा है, सुविधा है, यहाँ नहीं है। भाई वैष्णो देवी का ऑल्टीट्यूड क्या है और केदारनाथ का क्या है, 11,755 फुट पे है लगभग, चेक करना, मैंने वैसे थोड़ा पढ़ा था पिछली बार, तो इतनी हाइट पर वैष्णो देवी बहुत कम हाइट पे है, 5,000 या 7,000 ही होगा, तो वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर कंडीशंस बहुत टफ है भाई, ये गढ़वाल रीजन है तो बहुत ही अच्छी खासी चढ़ाई है, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के बाद तो एक्चुअल चढ़ाई शुरू होगी, तो इसलिए बच्चों को सोच समझ के ले जाना, क्योंकि वापसी में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप अपना सफ़र कर रहे होगे तो जो खच्चर चलते हैं पीछे से आते हैं, तो वो एकदम से आपके पीछे आएंगे, क्योंकि आप फिसल भी सकते हो, तो ज़रा ध्यान देते हुए चलना, बहुत ही स्लिपरी रोड्स भी हैं, बारिश होगी तो कीचड़ बहुत होगा, मैं तो पूरे कीचड़ में ही उतरा था, इसलिए ज़रा पैर वगैरह संभाल के और स्लिप ना होना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी एंजॉय करो, मज़े करो और अच्छी सेफ राइड करो, और सबका ध्यान रखो भाई, फैमिली का भी, और जो बोला है वो सब जरूर रख लो, मेडिकल पैक अपना मत भूलना यार, वो ज़रूर रख लेना, क्योंकि रास्ते में कब क्या वॉमिटिंग या हो जाए या सर दर्द हो जाए या जो भी अनइजीनेस हो जाए, तो उन सब की लिस्ट बना लेना पहले ही, तो वो रख लेना। ये सब बातें ध्यान रखो, इन्जॉय करो और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरी तरह। Enjoy, goodbye, have a safe ride, enjoy.